चल भाई चंपक, अब इस बाइक को जहाँ से उठाया है वहीं रख देते हैं। अब वैसे भी करिश्मा मैडम को समझ आ गया होगा कि चार लोगों के सामने उंगली उठाने पे कैसा फील होता है। खैर, मजाक को यहीं खत्म करते वरना लेनी के देनी ना पड़ जाए। बाइक कहाँ गया? यही तो रखे थे। भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमको तो करिश्मा मैडम ने पुष्पा जी के सामने भेष बदल कर जाने बोला है। हमें वहाँ जाना होगा इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले। कल को ढक कर निकलना होगा यहाँ से जल्दी। पुष्पा जी, वैसे तो आप शिव भगवान और पार्वती जी की भक्त है, आज हनुमान जी का है। अरे उन दोनों से तो हम माफी मांग लेंगे चीते, मगर आज शनिवार है ना, तो जब तक हम हनुमान जी के चरणों में अपना माथा रख के उनसे क्षमा नहीं मांग लेते ना, हमारी कोयल जैसी आवाज पर ये जो मुर्गे की आत्मा बसी है ना, वो नहीं उतरेगी। नहीं पुष्पा जी, अगर ऐसे मुर्गे खाने से आत्मा चढ़ती है तो लखनऊ में आधे से ज्यादा लोग बांग दे रहे होते। स्मार्ट संतोष, सुबह में आप सिंघाड़ा खाई थी ना, देख कितना स्मार्ट बात कर। ज्यादा बोल मत वरना चोट भी मार सकती है। नहीं नहीं पुष्पा जी। चीते, आइसक्रीम साथ में खाते। साथ में मतलब संतु जी, आप ही चाहती कि हम दोनों लोग वहाँ पर जाएं और एक ही आइसक्रीम में दोनों लोग एक साथ खाएं? चीते तेरे सपने में ऐसा होगा, अभी चलते अलग अलग खाएंगे। अच्छा ठीक है, आप यहाँ बैठिए, हम आइसक्रीम खाते फिर दर्शन के लिए चलेंगे। ठीक है जल्दी आना, हनुमान जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना। ठीक है संतु जी। कमाल है ये आजकल के बच्चे। ये अकेली बैठी है, यही सही मौका है अपने आप को दिखा के निकल लेने का। पुष्पा जी हमको देख के पहचान का ही नहीं रही है, कुछ और करते हैं। अरे यार ये प्लान भी फेल, अब लगता है फाइनली बैठ के बात करना होगा। चीते, ये वही आदमी है ना, वो स्केच वाला पुष्पा जी के बाजू में बैठा है। आपने मैडम सर को फोन कीजिए अपन को, आज तो किसी भी करके इसको पकड़ ही लेंगे। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, ये वही आदमी जो स्केच में था, पकड़िए उसको। पकड़ो पुष्पा जी, इस तरफ देखिए, उस तरफ पहचाना। पकड़िए उसको, पकड़िए। भाग गया ना चाबी, इतना सारा चाबी, फिर तो पक्का यही चोर है। मैडम आपने तो कहा था कि सिर्फ पुष्पा जी रहेंगी, यहाँ तो पूरी टीम पीछे पड़ी हुई है। अब अभी हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ने के लिए नहीं, हमको तोड़ने के लिए आई है। हाँ हाँ, तुम एक काम करो, वो पार्क के पास इतना एक मॉल बन रहा है, तुम वहाँ पे जाकर अभी छुप जाओ, और जब तक हम तुमको नहीं कहना चंपक, तुम वहाँ से बाहर मत निकलना, समझ गए हमारी बात को? हम पहुँच रहे, हम आते हैं वहाँ पे। शॉपिंग मॉल तो यही लगता है। यहाँ आसपास कहीं छुपने की जगह नहीं, सिर्फ यही बिल्डिंग है,
यहीं पे गया होगा, मैडम सर का वेट करते, मैडम सर आके बताएगी क्या करना है। मैडम सर। अरे हा? आप लोग कहाँ थे, हमें दिखे ही नहीं। अंदर क्या है? अंदर क्या हूँ मैडम सर, यहीं पे अंदर क्या है। ठीक है, लेट्स गो। हे भगवान, हमको बचा लो। हम कसम खाते भगवान, हम आज के बाद किसी से मजाक नहीं करेंगे। अरे मजाक तो छोड़ो, हम किसी के मजाक पे हंसेंगे भी नहीं, हम अपने दांत भी डोनेट कर देंगे भगवान। बस हमको बचा लो भगवान। मत वरना गोली मार देंगे। करिश्मा सिंह, आप यहां क्या कर रही हैं? भाई मैडम सर, जो एक जिम्मेदार पुलिस को करना चाहिए, हम मुजरिम को पकड़ने आए हैं। गुड, लेकिन इस मुजरिम को हमने ऑलरेडी पकड़ लिया है, अब बाकी की पूछताछ हम थाने जाकर करेंगे। नहीं नहीं मैडम सर, इस मुजरिम पे नजर पहले हमारा पड़ा था, इसलिए इससे तो हम निपटेंगे। करिश्मा सिंह, इसे पहले हमने पकड़ा है, इसलिए हम इसे महिला पुलिस थाने ले जाएंगे, क्योंकि बाइक की चोरी की रिपोर्ट वहां दर्ज हुई है। हम मानते हैं कि FIR महिला पुलिस थाना में दर्ज हुआ है, लेकिन मैडम सर, इसका हिसाब तो आज हम ही लेंगे। ये कोई वक्त है जिद करने का? करिश्मा सिंह और जिद दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं मैडम सर। करिश्मा मैडम। ये जो आप बुड्ढी मुर्गी की आवाज निकाल रही है ना, पक 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 पक, हमको समझ में आ रहा है आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं। मैडम सर, आप कांस्टेबल से SI का मजाक उड़वा रही हैं, ये हमको उम्मीद नहीं था आपसे। नहीं नहीं मैडम, पुष्पा जी आपको चिढ़ा नहीं रही है, बल्कि इनको तो खुद एक मुर्गा चिढ़ा रहा है, जिसको कटहल समझ के निपटा गई है। तब से वो मुर्गा इनके दिमाग पर जंजाल बन के छाया हुआ है, जब कभी बतिया रही ना, पक 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 ऐसे पक पका रही है। बताइए अमा, तो किसने कहा था खाने के लिए? नहीं, क्यों खाया आपने मुर्गा? कोई जबरदस्ती तो गया नहीं था ना पुष्पा जी के पास कि पुष्पा जी एक आज लेग पीस खा लीजिए ना प्लीज, ये तो नहीं किया था ना? जबरदस्ती नहीं, जानबूझकर आपने हमारा टिफिन बदली कर दिया। अरे हम काहे बदलेंगे आपका टिफिन? और वैसे भी पुष्पा जी, आपके हाथ का कटहल खाने से अच्छा है कि हम थाने के बाहर खड़े होकर ना हवा खा ले। सच्ची, हम जानते हैं आपने हमारा टिफिन क्यों बदला। एक तो आप सब कुछ जानती है पुष्पा जी, अब सब कुछ जानती है तो फिर ये भी जानती होगी कि हम काहे बदलेंगे टिफिन। हाँ, क्योंकि आप जलती हैं हमसे, बहुत जलती हैं। आप देख नहीं सकती ना कि हम सुकून से हमारी जिंदगी जी रहे हैं, हम खुश हैं, इसलिए आपने हमारा टिफिन बदली करके हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। धर्म भ्रष्ट नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गया आपका। आप अपने सीनियर पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती है पुष्पा जी, कैसे कैसे? जबरदस्ती का जाबाज बनकर गोली चलाने की? अब किसे नहीं, अब किसे पकड़ कर ले जाएंगी आप थाने? मैडम सर, पुष्पा जी हमारे दिमाग का दही कर देती है, हमने गुस्से में गोली चला दिया, हमें बहुत अफसोस है कि वो आपके हाथ से निकल गया। मैडम सर, एक तो आप ही ने कही है कि इंसानी भाषा में हमसे बात करें, ये पक 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 पक, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है।
हाँ तो मैडम सर, हम ये कह रहे हैं कि आप इन्होंने ये जो गोली चलाई है ना, वो अनजाने में नहीं चलाई, जानबूझकर चलाई है। पूछिए पूछिए इनसे, इन्हें जवाब देना होगा क्यों चलाई गोली। मैडम सर, एक तो आप पुष्पा जी को समझा दीजिए कि हम उनके सीनियर हैं और सीनियर से जबान लड़ाने का अंजाम जो है वो लाइन हाजिर हो सकता है। हाँ तो आप ही ने बस कीजिए, आप दोनों बस कीजिए, बहुत हो गया। आप दोनों के कान खुले हैं और आप दोनों के गले में आवाज है, तो एक दूसरे से डायरेक्टली बात कीजिए, हमें इन्वॉल्व मत करिए, और हो सके तो चुप रहिए प्लीज। जय हिंद मैडम सर। गर्मी का गर्मी तो लगेगा ही ना, पंखा जो नहीं चल रहा है, इसकी मियां का सासू। अरे चंपक मेरे भाई, तुझे कोई नहीं मारेगा, मैं हूं ना। अरे तेरे होने से क्या होता है, तू तो अपनी बेइज्जती कराएगा और निकल लेगा। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो बेटा, हां बात समझो, बात को समझो। करिश्मा मैडम अपनी सारी गोली हम पे उतार देंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे चल चल चल, कुछ नहीं होगा, हिम्मत। चल 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 चल। देखिए मैडम, हम किसे लाए? एक मिनट एक मिनट, चंबल का हसीना सुना था, ये कंबल का हसीना कौन है? वैसे राजवीर जी, बहुत अच्छा लगा, पहली बार आपको कोई चोर पकड़ता हुआ देखा है हमने। शुक्रिया मैडम, लेकिन ये कोई चोर नहीं है, ये तो हमारा चंपक है, देखिए। अम्मा अमीनाबाद में वैसी गर्मी का भौकाल मचा हुआ है, तुम एक कंबल लपेट के और हमारा पारा हाई कर रहे हो, काहे कंबल लपेटे हो तुम? बस करिए मैडम बस करिए, अब हमसे नौकरी नहीं होगी। आज आपकी गोली से हम बाल बाल बच गए। अरे लेकिन उस गोली की आवाज हमारे दिल को इतना दहला गई है कि हमारे दिल से धक धक की आवाज नहीं, डिचकियाओ की आवाज आ रही है मैडम। गोली चला लेकिन लगा तो नहीं ना, बच गए ना? तभी तो यहाँ खड़े हैं। और अगर पकड़े जाते ना तो कहीं दिखाई नहीं देते तुम, समझ में आ गए? हमारा तुम पुलिस वाले हो, मर्द हो, बलवान बनो। है ना मैडम, देखिए 100% मर्द है। ये हुआ ना कांस्टेबल चंपक चौधरी वाला बात, ये बंदूक देख रहे हो हमारा, इसमें हम चार गोली ना अभी भी बचा के रखे, पूछो काहे? काहे? वो चोर जिस दिन हमारे हाथ लगेगा ना, ये चारों की चारों गोलियां उसके शरीर के अलग अलग हिस्से में ना से दाग देंगे हम। तुमको काम दिए थे हम कि चोर बाजार जाके उस चोर के बारे में पता करो, वो काम किया? पता किया ना मैडम, सब दुकानदारों से पूछा, किसी को कुछ पता ही नहीं, कोई सुराग नहीं मिला। चोर बाजार में भी इस चोर का कुछ आता पता नहीं है, चोर मिलेगा तो मिलेगा कैसे? कैसे सॉल्व करेंगे हमें केस? और ये मीडिया भी इस केस को लेके हमारे जान के पीछे पड़ी है। वो हम शिवजी के मंदिर गए थे ना, वो चिकन खाने की वजह से वो जो मुर्गी की आत्मा हमारे अंदर फंसी थी ना, उससे हम मुक्त हो गए। ये ले लो प्रसाद। हाँ, माँ पार्वती और शिवजी ने हमें माफ कर दिया। हमें लगता है कि करिश्मा सिंह ने जानबूझकर गलत कैदी को फरार कर दिया ताकि हमें वो इस केस से डाइवर्ट कर सके। नहीं क्यों, मतलब करिश्मा जी ऐसा क्यों करेंगे? पुष्पा जी, क्योंकि करिश्मा सिंह नहीं चाहती कि हम ये केस सॉल्व करें। लेकिन ऐसा कहा है मैडम सर? देखो बात यह है कि हम सब जानते हैं कि करिश्मा सिंह कितनी होनहार और काबिल ऑफिसर है। बहुत। लेकिन फिलहाल उनकी काबिलियत पर दुनिया ने उंगली उठाई हुई है, ऐसे में उनके लिए खुद को साबित करना बहुत जरूरी है, वो भी अकेले बिना किसी की मदद के, इसलिए वो ये सब कर रही है। लेकिन हमने भी ठान ली, हम उनकी मदद करके रहेंगे। मैडम सर मदद तो छोड़िए, करिश्मा जी फिलहाल किसी से राय भी नहीं लेंगी। पुष्पा जी, तजुर्बा कहता है हमारा कि किसी से मदद मांग लेना कमजोरी की निशानी नहीं होती। करिश्मा सिंह शायद इस बात को कभी ना माने, लेकिन फिलहाल उन्हें मदद चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। करिश्मा जी को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है आपका साथ और आपकी मदद, आप ही हैं जो उन्हें सही रास्ता दिखा सकती है। तो ठीक है फिर, संतोष शर्मा। जी मैडम सर। आप इस मिशन पर जाएंगे? जी मैडम सर। मैडम सर, एक तो पर्सनल लेवल पर ऐसे रिक्वेस्ट था आपसे, आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा और भयंकर मिशन के लिए संतू जी कुछ ज्यादा ही मासूम है? या।
हम बाहर जाते हैं। तो संतोष शर्मा आप तैयार हैं? जी मैडम सर। नहीं मगर मैडम सर, संतू को करिश्मा जी उनके थाने में घुसने क्यों देगी? करेक्ट। देखिए क्या है, करिश्मा सिंह काफी दिनों से हमसे कह रही हैं कि उन्हें अपने थाने में भी एक साइबर एक्सपर्ट की जरूरत है। वो खुद चाहती है कि संतोष वहां पर आए और उनकी मदद करे, तो हम बस उनकी इस रिक्वेस्ट को पूरा कर देते हैं। संतोष शर्मा आप आधा दिन यहाँ और आधा दिन उस थाने में ड्यूटी करेंगे, क्लियर? नहीं नहीं मैडम सर, मगर हम एक बात नहीं समझ पाए, संतू के वहां जाने से ये केस कैसे सुलझेगा? हम समझाते हैं। संतोष शर्मा वहां जब जाएंगे तो करिश्मा सिंह उन्हें किसी भी तरीके से अपने साथ केस में इन्वॉल्व कर ही लेंगे। ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो भी लीड्स मिलती हैं वो हम संतोष शर्मा को कन्वे करेंगे। संतोष शर्मा बातों ही बातों में ये सारी लीड्स का जिक्र करिश्मा सिंह से करेंगे, ताकि आगे जाकर जब भी ये केस सॉल्व हो तो करिश्मा सिंह को ऐसा लगे कि ये केस उन्होंने खुद अपने बलबूते पर बिना किसी की मदद के सॉल्व किया है। बस इसीलिए मैडम सर हम हमेशा करिश्मा जी को कहते हैं कि आपसे कुछ सीखे, थोड़े जज्बातों से केस को देखने की जरूरत करिश्मा जी को है। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह एक बहुत ही होनहार पुलिस ऑफिसर है, वो थोड़ा सा वक्त दीजिए, सीख जाएंगे। सिंह जी आप इन फाइल्स को हेडक्वार्टर्स पहुंचाइए और वहां से फटाफट वापस आइए। संतु देखो हमको ना तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन का है ना तुम तो जानती हो कि तुम मैडम सर के लिए काम करती हो और अब ये केस जो है वो मैडम सर संभाल रही है, अब तुम हमारे पास काम करने आई हो, तो क्या ना हम तुमको बिना टेस्ट करे हमारे थाने में नहीं ले सकते हैं। कैसा टेस्ट? अरे इतना घबरा का रही हो, थोड़ी ना हम तुमको अंगारों पे चलवा देंगे। तुम तो खुद चलता फिरता लाई डिटेक्टर मशीन हो, क्या है ना हम तुमसे सवाल करेंगे तुम जवाब दोगी, जवाब गलत होगा तो तुम्हारा पेट दर्द हमको सब सच बता देगा। अब आप जो चाहे जैसा चाहे वैसा टेस्ट ले सकती हैं। ठीक है, तो हमको ये बताओ कि मैडम सर ने तुमको यहाँ किसी मिशन के तहत भेजा है? संतोष शर्मा का पेट दर्द शुरू हो गया, हमें उसका ध्यान डाइवर्ट करना होगा। संतोष शर्मा हमारी बात ध्यान से सुनो, जैसा हमने बताया है वैसा करिश्मा सिंह से कहिए, और अगर तुमने अपने सीनियर का ऑर्डर नहीं माना तो तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा और फिर तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी करवा देंगे? शादी? मैडम सर थोड़ी मुझे मिशन के लिए भेजेगी। पक्का? हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे मैडम। मैडम आप खुद सोचिए ना, आप जानती हैं, मैडम सर जानती है कि मैं झूठ बोलती हूँ तो पेट में दर्द होता है ना, तो मैडम सर क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी, है ना? स्मार्ट संतु जी, स्मार्ट। शाबाश, हमको पूरा भरोसा हो गया संतु तुम पर, तुम मैडम सर के मिशन से नहीं तुम हमारे काम से यहाँ आई हो। संतु तुम्हारा जानकीपुरम थाना में स्वागत है। थैंक यू मैडम, वैसे हम सब आपको बहुत मिस करते हैं, स्पेशली मैडम सर तो बहुत ही ज्यादा। मिस तो करिश्मा मैडम ने भी बहुत किया जी, बस बोलती नहीं है। ओके, वेरी गुड संतोष शर्मा, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है? किसका आवाज नहीं आ रहा है? वो मैं एक आइडिया आया मुझे, तो मैं खुद से कह रही थी, तो आवाज नहीं आई मुझे खुद की, तो मैं खुद से कह रही थी कि आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ओके गुड संतोष, तो सुनिए अब हम जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा आप करिश्मा सिंह को बताएंगे, उन्हें बताएंगे कि इस केस में आप क्या क्या कर सकती हैं,
ठीक है? संतु तुम वापस शांत हो गई? वो मैं सोच रही थी मैडम, बहुत गहराई से स्टडी किया इस केस को और अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आपकी बाइक चोरी हुई थी ना, उस दिन यहाँ थाने के आसपास कितने फोन एक्टिव थे और किस किस नाम पर रजिस्टर है, मुझे वो पता लगाना है। अम्मा बवाल हो तुम संतु। संतु हमने सोचा नहीं था हम तुमको इतना मिस करेंगे, पर हमने वाकई तुमको बहुत मिस किया है। सीखो सीखो सीखो, सबको बोल रहे हैं अब। संतु अब तुम आ गई हो ना, अब देखो कैसे उस बाइक चोर को हम कैसे पकड़ लेते हैं। पहले तो आपने जो तारीफ की उसके लिए थैंक यू सो मच, और जितना मैं समझ पाई हूँ ना इस केस को मैडम, मुझे लगता है आपकी बाइक चुराने वाला इसी थाने का है।